जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 15 ऑफ जीके एंड जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेरियस सेक्शंस. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बैटल ऑफ तराइन डिड मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के किस युद्ध में उन्हें पराजित किया. तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित किया और तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ और जो दूसरा युद्ध हुआ था दैट हैपेंड इन 1192. तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट द सिटी ऑफ, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर का स्थापना किया. तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ही इस्टेब्लिश्ड सीरी नामक शहर की इसने स्थापना की 1303 में इसने सीरी नामक शहर की स्थापना की. और दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो जौनपुर की स्थापना आप सभी लोग जानते होंगे फिरोज शाह तुगलक ने किया. ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसने स्थापना की जौनपुर की. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड. जो धनावेशित आयन होते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है. ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं दोज आर नोन एज केटायन्स. सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर ओवर हियर. एंड द पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनायन. ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ. एसिड रेन अकर्स ड्यू टू, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण क्या होता है. तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण होता है एयर पोल्यूशन एंड दिस हैपन्स ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण अम्लीय वर्षा होती है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. किसे आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है. तो हिप्पोक्रेटस जो थे ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ. द कोठारी कमीशन ऑफ 1964 वाज कंसर्न्ड विद, जो कोठारी कमीशन थी 1964 वाली वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, यानी उसका सरोकार किस चीज़ से था. तो जो कोठारी कमीशन था 1964 का दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन और इसका काम था टू इवेल्युएट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की तरफ. द सेकेंड 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो किस वर्ष लाया गया. तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दैट वॉज ब्रॉट अप इन 1956 और ये 1956 से लेकर के 1961 तक रही. मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1956 टू 1961, 1961 तक रहा और जो मॉडल और जिस मॉडल पे ये बेस्ड था उस मॉडल का नाम था पीसी महलनोबिस मॉडल और आप सभी को पता भी होगा प्रशांत चंद्र महलनोबिस इनका पूरा नाम है और इनके जन्मदिन के उपलक्ष पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है जो कि 29 जून को मनाया जाता है. ओके, और सेकेंड जो 5-year प्लान था उसका फोकस था मेनली ऑन इंडस्ट्री. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन, जो इम्पीचमेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है कौन से आर्टिकल में है. तो आर्टिकल 61 डील्स विद द रिमूवल ऑफ और वी कैन से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. वहीं अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 79 इसका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 61. ठीक है, और दूसरे ऑप्शंस के बारे में वहीं हम अगर बात करें तो आर्टिकल 79 डील्स विद द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की जो संसद होगा वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होगा, दैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 52, नाउ आर्टिकल 52 डील्स विथ कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, संविधान के प्रमुख होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच कंट्री वॉज द रनर अप ऑफ द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? वी ऑल नो दैट 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता टीम रही थी इंग्लैंड, और जो रनर अप टीम थी वो था न्यूजीलैंड, जिसके कप्तान थे केन विलियमसन। आगे चलते हैं। इन इंडिया निर्मला सीतारमण इज़ द मिनिस्टर ऑफ, यानी जो निर्मला सीतारमण है वो किस चीज़ की मंत्री हैं? तो निर्मला सीतारमण इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। और दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह, एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज़ एस जयशंकर प्रसाद, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज़ धर्मेंद्र प्रधान। और एक चीज़ और आप लोग कमेंट में लिखिए, हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर, हु इज़ द रेलवेज मिनिस्टर, ठीक है, भारत के रेलवे का मिनिस्टर कौन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो भारतीय संविधान है उसका 112वां अनुच्छेद क्या कहता है? तो इट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें, मनी बिल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन, तो जो मनी बिल है इसका वर्णन 108 में, अनुच्छेद 108 में मिलता है। आई एम सॉरी, मनी बिल इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 110, 110 में इसका अनुच्छेद मिलता है। और जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, इसका वर्णन 108 में है। और ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सद्भावना डे, यानी कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20th अगस्त, यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है, इसलिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ इन, यानी जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर स्थित है? दिस इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और राजस्थान में केवल देव नेशनल पार्क है भरतपुर का, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, और 22 अप्रैल और 22 मार्च इन दोनों तारीखों को क्या मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं बता देता हूँ, एक जल होगा और एक पृथ्वी दिवस है, और आप कंफर्म कीजिए कौन सा जल दिवस है और कौन सा पृथ्वी दिवस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF इज़ इन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़ इन, तो जो IMF है इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और आगे बात करें अगर जिनेवा की, तो जिनेवा में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, और पेरिस में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। द SAARC वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, जो SAARC है देशों का समूह है, उसको हिंदी में दक्षेस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो SAARC की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, दिस वॉज डन ऑन 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई, और इसमें कुल 8 देश हैं। मैं ट्रिक बता देता हूँ इनको याद करने के लिए, एंड द ट्रिक इज़ MBBS पेन, PAIN। फर्स्ट वन इज़ म्यांमार, सेकेंड इज़ बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया,
एंड नेपाल। आप आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन फॉर यू इज राइट समथिंग अबाउट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन का इंतज़ार मैं कमेंट बॉक्स में करूंगा। हिंट दिया हुआ है क्या क्या लिखना है आपको। करेंटली जैसे कि ये वर्तमान समय में कौन इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, और कुछ जो आर्टिकल्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हैं इलेक्शन कमिश्नर से, और इनका टेन्योर कितना होता है, और कौन से नंबर के ये इलेक्शन कमिश्नर है। थैंक यू। स्टे सेफ।